लोगों को डरना होगा, आवाम का समंदर इस्लामाबाद आ रहा है। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को खबरदार कर दिया। हकीकी आजादी मार्च के तीसरे रोज मुरीद के में शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं इलेक्शन के साथ कानून की हुक्मरानी भी चाहता हूं और चाहता हूं कि आवाम के हुकूक की हिफाजत की जाए। हमारे मार्च में कोई फसाद नहीं होगा, सिर्फ जराइम पेशा लोग डरे हुए हैं। तुम लोगों को डरना होगा क्योंकि आवाम का समंदर इस्लामाबाद आ रहा है। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि मैंने उन्हें पैगाम भेजा है कि आर्मी चीफ का मिल बैठकर फैसला करें। मैं तुम्हें कोई पैगाम क्यों भिजवाऊंगा, तुमसे बात करने का क्या फायदा, तुम्हारे पास बात करने के लिए है ही क्या। शहबाज शरीफ मेरी बात सुन लो, मैं बूट पॉलिशियों से बात नहीं करता। मैंने उनसे बात की जिनको मिलने के लिए तुम गाड़ी की डिग्गी में छुप कर जाया करते थे और उनसे कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराओ, और कोई बात नहीं की। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर वन। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी पीएमएलएन के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा, अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।